एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में, 2021 के बारे में बात करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो उनके बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड तुम्हें हर कोई फैसिलिटी मिलेंगी। एंड इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एम्स के बारे में, एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो ये डिटेल से वीडियो होने वाली, इसमें हम एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, कब तक होंगे, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या यहाँ पर रहने वाला है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या यहाँ पर रहने वाला है, एंड आल्सो जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, और अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक स्टाइप फंड वगैरह, एंड कितनी तुम्हारी जो है फीस यहाँ पर लगने वाली है, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बीएससी ओनर्स अगर तुम करते हो अपने एम्स से, तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लाइक जो है तुम्हें कहीं भी जो है किसी भी अदर एंट्रेंस एग्जाम को फाइट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, बिकॉज तुम ऑलरेडी एम्स से कर रहे होगे, तो वहाँ तो तुम्हें जॉब मिलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। एंड ऑल्सो तुम फॉरन जा सकते हो, लाइक वहाँ पर जो थोड़ी हाई लेवल की पढ़ाई करा दी जाती है, तो तुम्हें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम आराम से अगर तुम्हारे ड्रीम्स हैं तो तुम फॉरन जा सकते हो एंड वहाँ पर भी जो है जॉब कर सकते हो। काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं प्रेजेंट में नर्सिंग ऑफिसर को फॉर्म में, तो तुम वहाँ पर भी जा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बेनिफिट्स मिल जाते हैं एम्स से, एंड आल्सो जो है फैसिलिटीज़ जो है काफ़ी अच्छी लेवल की मिलती हैं, एंड हाई लेवल की यहाँ पर स्टडीज़ कराई जाती है, तो सब कुछ ही अच्छा होता है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे, डिटेल से ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही लगातार वीडियोस पाने के लिए। तो बीएससी ओनर्स जो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के बारे में ही बात कर लेते कि कौन कौन एलिजिबल है। तो हर कोई वो कैंडिडेट एलिजिबल है जो 17 से लेकर 25 इयर्स का है एंड आल्सो सिटीजन है इंडिया का, बट एम्स सिर्फ दिल्ली में, जो सिर्फ एम्स दिल्ली में जो है लाइक फॉरन के कैंडिडेट्स भी कुछ ले सकते हैं, 5 सीट जो है फॉरन को भी दी गई हैं। और एम्स का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा ही अपना, जिसके थ्रू तुम एम्स दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, इनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्स दिल्ली में ही तुम ले सकते हो, किसी भी एम्स में तुम एडमिशन ले सकते हो इस कॉमन बीएससी ओनर्स एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अगर तुम ये एंट्रेंस एग्जाम दोगे एंड सब कुछ वेल एंड गुड रहेगा, तो इनमें से किसी एक में जो है तुम्हारा नंबर बढ़ सकता है, तुम्हारा जो सिलेक्शन हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारी मेहनत पे, बट इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगी। तो जितने भी अदर एम्स हैं उनमें फॉरेन जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई सीट नहीं है, बट एम्स दिल्ली में 5 सीट बीएससी ओनर्स की फॉरेन कैंडिडेट्स को भी दी गई हैं, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अगर एम्स दिल्ली की बात करें तो फॉरेन भी हो सकते हैं। तो बात करें अदर एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, तो 55% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ में एग्रीगेट होकर, इन चारों के परसेंटेज जो है 55% बने चाहिए अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर तुम अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये जो परसेंटेज है वो गिरकर 50% तक आ जाएगी। तुम्हें 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए अगर तुम अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये तुम्हारी रही एलिजिबिलिटी कि ये कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे, जिन जो ये जो है फिल करेंगे रिक्वायरमेंट। एंड ऑल्सो ओनली फीमेल्स आर एलिजिबल फॉर द बीएससी ओनर्स, ठीक है, सिर्फ फीमेल्स एलिजिबल हैं। एंड द एट द सेम लाइक इसके साथ साथ ही पैरामेडिकल का भी यहाँ पर एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है एम्स, तो उसके रिगार्डिंग भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो उसके लिए वोटिंग करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितनी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो वीडियो भी जल्दी ही आए। तो एलिजिबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे क्या अपना एग्ज़ाम आएगा, कितने घंटे का होगा। तो टोटल जो है 2 आवर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर रहने वाला, 4 पार्ट्स यहाँ पर तुमसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे एज लाइक नीट, ठीक है। तो 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला, जिसमें से 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी और 10 जो है जनरल नॉलेज यहाँ पर तुमसे पूछी जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कंप्लीट तुम स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। 30 30 30 जो है वो पीसीबी में है एंड 10 जो क्वेश्चन है, 10 यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। तो बात करें स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है, एम्स के हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले जो है एम्स जो है अलग से अपना कंडक्ट करता था एमबीबीएस के लिए, उसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती थी, और उसके साथ साथ जितने भी आगे जाकर नर्सिंग ऑफिसर का भी एंट्रेंस जो है एम्स कंडक्ट करता है उसमें भी हमें नेगेटिव मार्किंग देखने
देखने को मिलेगी। तो एम्स के हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। तो ईच करेक्ट के लिए 1 तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है एंड ईच इनकरेक्ट के लिए -1/3 जो है यहाँ से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर रहने वाला है। अगर एक से ज़्यादा तुम रिस्पॉन्स करोगे या फिर तुम अनआंसर्ड कर दोगे तो उसका तुम्हें कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे लाइक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हमने बात कर लिया, अभी हम बात करने वाले सीट डिस्ट्रीब्यूशन किससे जुड़ी, किस कितनी सीट हैं यहाँ पर कितनी नहीं है। तो कम्प्लीट मैं तुम्हें बता देती हूँ सीट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि 7 टोटल अपने एम्स हैं अभी जिनमें प्रेजेंट में बीएससी ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब इन सभी में से किसी एक में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो। न्यू दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, ठीक है। तो इनमें टोटल 571 सीट्स हमें देखी गई हैं, 571 सीट्स हैं जिसमें से न्यू दिल्ली। सो हमने देखा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें एज कंपैरिजन टू द अदर एंट्रेंस एग्जाम तो ठीक ठाक यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स हैं, लाइक नॉट सो लेस कि इतनी भी कम नहीं है कि ज़्यादा ही कम हो एंड ज़्यादा भी नहीं है, मतलब लाइक एज पर रिक्वायरमेंट जो है ठीक यहाँ पर सीट दे रखी है। टोटल 96 सीट तो सिर्फ दिल्ली में है एंड अदर भी तुम डिस्ट्रीब्यूशन जो है देख पा रहे होगे। तो 571 जो सीट्स हैं उनमें से एक सीट निकालना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि तुम नहीं निकाल सकते हो एंड इतना भी ज़्यादा आसान नहीं कि बिना पढ़े जो है ये निकल जाएगा। तो ऑफकोर्स तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी एंड इस एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई अदर सीरीज की वीडियोस पाने के लिए तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक से जुड़ी चाहिए, क्या तुम्हें इसकी कट ऑफ से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी कट ऑफ से रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी अगर तुम लोग बोलोगे तो। एंड बाकी जो है इसके लिए अभी से तुम जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो एंड इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक है उसके रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहिए तो वो भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना होगा। एंड आल्सो जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं बता देती हूँ टोटल यहाँ पर कितनी अपनी सीट जो है देखी गई। तो 96 सीट्स जो है न्यू दिल्ली में है, भोपाल में 75, भुवनेश्वर में 75, जोधपुर में 75, पटना में 75, रायपुर में 75 एंड ऋषिकेश में टोटल 100 यहाँ पर सीट जो है देखी गई। तो टोटल 571 जो है सीट्स हैं। एंड बात करें जनरल कैटेगरी के बारे में तो 238 सीट, 238 सीट जनरल की है एंड अदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन तुम स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कितनी यहाँ पर अपनी जो है सीट है। तो ये टोटल अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि यहाँ पर जो है ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना रहने वाला है। तो बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि कब तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट हो सकते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या फिर सेकेंड में होने थे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसी वीक में हो जाएंगे या फिर जो है इससे नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे। अप टू जो है लास्ट ऑफ मार्च जो है एप्लीकेशन फॉर्म 100% आउट होने वाले हैं। तो उसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्ट्रेटजी की वीडियो के लिए जो है तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, तनु फोगाट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी एम्स दिल्ली से जुड़ी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ। बाय, टेक केयर।